बीबीसी दुनिया में आज देखिए, चीन में कोविड पर सख्ती या ज्यादती। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन में लोगों को जबरन भेजा जा रहा है क्वारंटीन सेंटर। बदहाल हालात के बीच रहने को मजबूर हजारों लोग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। सख्ती के बावजूद क्यों बढ़ रहा है शंघाई में संक्रमण? क्यों क्वारंटीन सेंटर्स में बच्चे बूढ़े समेत जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं लोग? दिखाएंगे चीन से ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इमरान खान पहली बार हो रहे हैं जनता से रूबरू। पेशावर में कर रहे हैं पब्लिक रैली। क्या इसके जरिए सियासत में अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं इमरान? दिखाएंगे पाकिस्तान से रिपोर्ट। रूस ने कहा मारियोपोल में यूक्रेनी नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। रूसी टीवी पर दिखाई गई कथित सरेंडर की तस्वीरें। यूक्रेन ने कहा मारियोपोल पर अब भी उन्हीं का कंट्रोल। इस बीच दुनिया से अलग थलग पड़ रहे रूस को लोगों का क्या कहना है? दिखाएंगे रूस से खास रिपोर्ट। आर्थिक मुश्किल से जूझ रहे श्रीलंका ने विदेश में रह रहे अपने नागरिकों से की पैसे भेजने की अपील। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा विदेश में रह रहे लोग विदेशी मुद्रा भेजकर करें मदद। फिलीपींस में अचानक आई आंधी तूफान और भूस्खलन से कम 60 लोगों की मौत। सेना ने कहा बाढ़ के कारण 6 लाख लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। इनमें से कईयों को नहीं थी तूफान के खतरे की जानकारी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों कर रहे हैं अगले कदम की तैयारी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद रैली के जरिए इमरान खान कर रहे हैं ताकत दिखाने और जनता की नब्ज टटोलने की तैयारी, तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं सहयोगियों को समझने की कोशिश। पाकिस्तान में सियासी हलचल तो चीन में मचा है कोविड कंट्रोल को लेकर हंगामा, और इन सब की चर्चा कवर स्टोरी में। और पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद गंवाने के बाद आज पहली बार इमरान खान एक रैली के जरिए पाकिस्तान के लोगों से रूबरू होंगे। इस रैली के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान। शुमाइला, एक बड़ी रैली कर रहे हैं इमरान खान, क्या इस रैली के जरिए उनके अगले सियासी कदम का अंदाजा लगेगा आज? जी बिल्कुल सारिका, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेशर डाल सकें जो ये नई गवर्नमेंट बनी है उस पर कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। ये उनका मुतालबा पहले भी था और अब भी, और उन्होंने अब जो है वो जो तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई है जिसमें फैसला किया गया है कि मासेस को मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी, कन्वेंशंस किए जाएंगे, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज पेशावर में, 3 दिन बाद कराची में, उसके एक हफ्ते के बाद लाहौर में जो है वो जलसे होंगे और वहाँ पर एक बार फिर वो सरप्राइज देंगे और कोई बात करेंगे ऐसी जो कि उन्होंने पहले शायद ना की हो। तो उसके अलावा एक और जो चीज़ है जो ये कल इनकी पॉलिटिकल मीटिंग हुई थी उसमें ऐलान किया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी की वो कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका बायकॉट किया जाएगा। ये सारी का वही कमेटी है जिस जो उस केबल का जायज़ा ले सकती है जिसमें पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की एलिजिडली साजिश का इंकशाफ उस हुआ था, उसकी जो है वो तहकीकात कर सकती है। उन्होंने उसका बायकॉट का ऐलान कर दिया है जी। और साथ साथ में ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ जो हमारे नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले कह चुके हैं कि उनकी कोलिशन में बनी हुई जो सरकार है उसका मेन फोकस जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और वो ही मुल्क में फैसला करेंगे सारी पार्टी के साथ मिलकर कि कब इलेक्शंस कराए जाएं। शुक्रिया शुमाइला इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात चीन की, जहां कोविड 19 का पहला मामला सामने आया था और उसने इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक अपनाया था, पर मामले अब भी बढ़ रहे हैं। क्या कथित जीरो कोविड नीति पर सोचने की ज़रूरत है? और दूसरे देश जो अभी तक वायरस से लड़ रहे हैं उनके लिए इस नीति के क्या मायने हैं? 2020 की शुरुआत की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, चीन का वुहान शहर जहां नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया, फिर लगा लॉकडाउन और 11 लाख की आबादी एक भूते शहर में रहने को मजबूर हो गई। घूमने फिरने पर पाबंदी लगी, स्कूल और ज्यादातर व्यापार बंद थे क्योंकि अधिकारी वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे थे। दुनिया के तमाम शहरों की एक जैसी तस्वीरें तब सामने आ रही थी। अब दूसरे देश वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं, टीकाकरण अभियानों पर जोर है, गंभीर बीमारी और मौतों को सीमित करने की कोशिश है, लेकिन चीन 2020 की नीति पर ही अब भी अमल कर रहा है।
ये शंघाई की मौजूदा तस्वीर है, चीन का सबसे बड़ा शहर। यहाँ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। करीब 2,50,00,000 लोग 2 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन में हैं। जब बड़े पैमाने पर खाने पीने की भारी कमी की शिकायतें आने लगी, तब प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई। और चीन के सरकारी क्वारंटीन होम में दसियों हजार लोगों को जबरन रखा जा रहा है। बीबीसी के रॉबिन ब्रांट ने ऐसे ही कुछ क्वारंटीन होम का जायजा लिया। कैसे वहां के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में कोविड की पहली दस्तक के 2 साल बाद भी कोशिशें जारी हैं इस बीमारी को अपने मुल्क से बाहर रखने की, और वो कुछ इस तरह से ऐसा कर रहे हैं। दसियों हजार लोगों को ऐसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में जबरन रखा गया है। चीन के सबसे उन्नत शहरों में से एक में कईयों के लिए हालात बेहद खराब हैं। मैं जैसे ही केबिन अस्पताल पहुंची तो मेरे आंसू छलक गए। हमने 26 साल की इस महिला से बात की जिनका कुछ दिन पहले कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। लेकिन आपको कोविड लक्षण हो या ना हो, आपको जबरन क्वारंटीन में रहना ही होता है। पहले हमें बाकी लोगों के साथ रखा गया था, वहाँ हालात बहुत खराब थे। मेरी रूममेट और मुझे 2 कैंप बेड दिए गए थे। वहाँ पर सिर्फ 1 टॉयलेट था, 1 वॉश बेसिन था। बहुत से लोग एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं रोने लगी। जबरन क्वारंटीन में रहना उन क्रूर तरीकों में से एक है जो चीन कोविड को रोकने के लिए अपना रहा है। दूसरा तरीका है शहरव्यापी लॉकडाउन। शंघाई में रह रहे 2.5 करोड़ लोगों के साथ मैं भी पिछले 2 हफ्तों से क्वारंटीन में हूं, जिसका मतलब हुआ कि कई लोग अपने गेट के बाहर तक कदम नहीं रख सकते, कई तो अपने घर के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते। साथ ही खाने पीने के सामान की चिंता भी है, और कुछ के लिए पानी तक भी लाना मुश्किल हो रहा है। फोन पर खाना ऑर्डर करने की जद्दोजहद या फिर अधिकारियों के साथ बहस, और ये सब घर के लिए सिर्फ खाना जुटाने के वास्ते। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को इस तरह सरेआम फटकारते हुए वीडियो यहाँ कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। यहाँ सबकी बार बार टेस्टिंग की जाती है, लेकिन अब ये विज्ञान से ज्यादा बार बार लौटते वायरस और कम्युनिस्ट पार्टी की साख की लड़ाई बनकर रह गया है। कोरोना के पूरे देश में फैलने की आशंका के मद्देनजर तमाम प्रांतों को इस तरह की सुविधाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। बुजुर्ग, युवा, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी बिना परिवार के क्वारंटीन में रखा जा रहा है। चीन में रहने की कीमत चुका रहे हैं ये लोग। आधिकारिक आंकड़े इस शहर में कोविड के मामले कम होने की ओर इशारा करते हैं। ये आंकड़े ये दावा भी करते हैं कि इस बार कोविड से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है, यानी कोविड से एक भी इंसान की जान नहीं गई। और जीरो कोविड पॉलिसी चीन का लक्ष्य बना हुआ है। चीन अब भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रकृति को भी मात दे सकता है। और कई दूसरे देश भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन जैसी नीति अपना रहे हैं। वियतनाम में लॉकडाउन, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सहित दूसरे उपाय लागू किए जा रहे हैं। 2021 की शुरुआती 6 महीने तक यहां 200 से कम मौतें दर्ज हुई थीं। डेल्टा वेरिएंट के आने से मौत का आंकड़ा बढ़ा था। जब संक्रमण के मामले कम होने शुरू हुए, तब सरकार ने बिगड़ते आर्थिक हालात और कारोबारियों के दबाव में जीरो कोविड नीति को हटा दिया था। और दुनिया के दूसरे देश सख्त कोविड प्रतिबंधों, लॉकडाउन और यात्राओं पर रोक की नीति को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर आबादी का टीकाकरण हो चुका है। उन्हें उम्मीद है कि गंभीर बीमारी और मौतों से वो बच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2021 तक अपनी 80% आबादी का टीकाकरण करा दिया था, लॉकडाउन लगाना कम कर दिया, और अगर लगाया भी तो बहुत छोटे इलाकों में। लेकिन 2021 के बीच में डेल्टा वेरियंट के आने से टीकाकरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। उस वक्त सिर्फ 16% लोगों को टीके दिए गए थे। न्यूजीलैंड की जीरो कोविड नीतियां सबसे सख्त और कामयाब रही। पिछले साल अगस्त में केवल 1 कोविड केस सामने आने के बाद देश ने लॉकडाउन लगा दिया और कड़े प्रतिबंधों से लोगों में नाराजगी बढ़ी। फरवरी में मजदूरों से जुड़े एक वैक्सीन जनादेश के खिलाफ देश की संसद के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन हुए। अधिकांश आबादी में टीकाकरण के साथ न्यूजीलैंड अब जीरो कोविड नीति से बाहर निकल रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे जंग का खामियाजा भुगतते रूस के लोग। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में क्या कुछ हो रहा है, इस तमाम चीजों की अपडेट दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जनसंहार के आरोप लगाए हैं। उनकी सरकार ने पहले रूसी हमले में आम लोगों की मौत को खुलकर जनसंहार कहना बंद कर दिया था, लेकिन आयोवा में प्लेन में सवार होने से पहले बाइडेन ने कुछ ये कहा। I called it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of the horrible things that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies, but it sure seems that way to me. उधर यूक्रेन और रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। रूस की योजना इस इलाके में हमले तेज करने की है और यह ऐसे वक्त हो रहा है जब रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के 1026 सैनिकों ने मारियोपोल में उनके सामने हथियार डाल दिए हैं। क्राइमिया और दोनबास के बीच लैंड कॉरिडोर बनाने के लिहाज से मारियोपोल रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर कई हफ्तों से हमले की चपेट में है और माना जा रहा है कि इस शहर पर जल्द रूस कब्जा कर लेगा। हालांकि यूक्रेनी सेना का कहना है कि वो रूसी सेना का सामना कर रहे हैं। जहां रूस अपनी नई सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस में जंग से हुई तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। हजारों रूसी सैनिकों की यूक्रेन में मौत हो गई और पूर्वी यूक्रेन में जैसे जैसे लड़ाई तेज हो रही है, कई और सैनिकों की जान जाने की आशंका है। व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के बारे में कहा था कि रूस अपने नेक मकसद को हासिल करेगा और यूक्रेन के साथ लड़ाई को टाला नहीं जा सकता था। देखिए बीबीसी रूसी सेवा के संपादक स्टीव रोजनबर्ग की रूस के शहर स्टावरपोल से यह रिपोर्ट। रूस अभी तक दावा कर रहा है कि कोई जंग नहीं छिड़ी है, पर वो ये दावा नहीं कर सकता कि जंग में किसी की भी मौत नहीं हुई। स्टावरपोल के इस कब्रिस्तान में उन एलीट सैनिकों के ताबूत की कतार लगी है जो रूस के कथित स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए। ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में हो रही रूसी कार्रवाई का कोड है। रूस ने माना कि उसे काफी नुकसान हुआ है। सरगई टिसिचनी पैराट्रूपर्स यूनिट में अफसर थे। उनकी पत्नी लाडा सरगई के बारे में हमसे बात करने के लिए राजी हो गई। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं थी, अब भी पूरी तरह से नहीं मानती। मैंने उस शख्स को खो दिया है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज था। मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और वो रूस पर कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, पर मैं अपने पति को जानती थी, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दिमित्री भी रूस के युद्ध अपराध के दावों को फेक न्यूज बताते हैं। वो सरगई की टीम में थे। यूक्रेन के राजनेताओं ने कई बार यूक्रेन को एक साथ लाने के लिए रूस का शुक्रिया अदा किया है। मैं सभी देशों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने हम पर प्रतिबंध लगाए। आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में एकजुट कर दिया है। संदेश साफ है, जेड का समर्थन करें, जो सैन्य कार्रवाई का प्रतीक है। और मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण की वजह से रूस ने यहां कईयों को उसकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया है और ये विश्वास भी दिला दिया है कि तथाकथित रूसी अत्याचारों की रिपोर्ट्स सिर्फ दुष्प्रचार है। Ever since Russia attacked Ukraine. रूस के यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन से मैंने कई रूसियों से बात की और सब ने उन्हीं शब्दों को दोहराया जो वो टीवी पर देख रहे हैं। और वो जो टीवी पर दिख रहा है वो ये है कि यूक्रेन में रूस नाजियों, नियोनाजी, कट्टर राष्ट्रवादियों और देश को फासीवाद से मुक्त कराने के लिए लड़ रहा है। मतलब ये लोग एक समानांतर वास्तविकता बना रहे हैं। रूस के स्पेस सेंटर के दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में उनका उद्देश्य नेक है और वो उन्हें हासिल कर रहेंगे, जिसका मतलब है कि सैन्य कार्रवाई अभी जारी रहेगी। रूस का कहना है कि सेना को हुआ नुकसान एक त्रासदी है, पर फिलहाल वो शांति के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है युद्ध शुरू होने के बाद, और इन प्रतिबंधों को लेकर रूस में नाराजगी बढ़ रही है, उलझन बढ़ रही है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई के हुए 100 साल पूरे। इस बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो का पता आज से 100 साल पहले चला। तभी पता चला कि ये उस वक्त की सबसे विकसित सभ्यता में से एक थी। बीबीसी संवाददाता अली काज़मी इस यूनेस्को हेरिटेज साइट पर पहुंचे। ये कहानी ऐसे शुरू होती है 1922 में, उस जमाने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता था, उनके लोगों ने यहाँ आकर खुदाई का काम शुरू किया। जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जॉन मार्शल साहब, तो उनको अंदाज़ा होने लगा कि ये जो तहजीब है ये बुद्धिस्ट अतवार से पीछे की तरफ जाती नज़र आ रही है। उसके बाद धूम मच गई। ये इंडस रिवर है जिसे दरियाए सिंध या सिंधु नदी भी कहते हैं, जहाँ पर आज हम मोहनजोदड़ो देखने आए हैं। ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था और आज से 5000 साल पहले इस दरिया के किनारे बसता था। अब दड़ो का तो मतलब टीला है, मोहन कोई नाम है उसका टीला, कि पुरानी जितनी भी तहजीबें हैं उसमें अगर कोई आलीशान चीज़ नज़र आती है तो अहराम मिस्र नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसी चीज़ नहीं थी, यहाँ घर थे बहुत अच्छे बने हुए, गलियाँ थीं बहुत अच्छी थी, नालियाँ थीं बहुत अच्छी थी, कुएँ थे बेशुमार, यानी यहाँ जो कुछ था वो आम आदमी के लिए था। इस शहर को चारों तरफ से तकरीबन दरिया ने घेरे में लिया हुआ था और यही इसकी कम्युनिकेशन की बुनियाद थी। ये वो ब्रॉडवे कहना चाहिए, न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे है कि जो एक पूरी अपनी लंबाई के साथ चला जा रहा है। 8 लाख मुरब्बा मीटर का ये सारा इलाका है। हर किस्म के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आज ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन आसारों को बचाने के लिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुकम्मल करके फिर इसको रीबरी कर दें। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBCSareka पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है। We'll be right back.